नमस्कार, दिनभर की हर खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। हम बैंकों के अंदर ब्लैक मनी बदलने के अदृश्य काउंटर खोले बैठे जुगाड़ मैनेजरों को आज बेनकाब करेंगे, जो कमीशन बेस पर बेईमान लोगों की काली कमाई को सीधे बैंकों में सेट करने का बड़ा खेल खेल रहे हैं। ऐसे काले मन वाले बैंकरों के खिलाफ यह आज तक का ऑपरेशन ब्लैक बैंकर है। बहुत बुरा हाल है देश का इस टाइम। पैसा मिल रहा है ना, निकल रहा है, लंबी लंबी लाइन लग रही है, लोग रो रो बेहोश हो रहे हैं। गलत है, जिंदगी खराब कर दी सबकी। घबराहट, गुस्सा, आम आदमी का दर्द कैश। 42 दिन से हर रोज घंटों तक बैंकों और एटीएम की लाइनों में लगे लोग, लेकिन बैंकों में कैश का अकाल। ब्लैक मनी के जुगाड़ मैकेनिकों के खिलाफ मुहिम के तहत आज बेनकाब हो रहे हैं बैंकों के ब्लैक मनी मैनेजर्स। रूबल खन्ना, मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। आपकी ब्रांच में हो सकता है। अमरपाल सिंह, बैंकर HDFC। अभिषेक रोहिल्ला, सेल्स ऑफिसर ICICI बैंक। यश कुमार त्यागी, बैंकर ICICI बैंक। दीपक, बैंकर साउथ इंडियन बैंक। कमीशन बेस पर ब्लैक मनी को सीधे बैंकों से सेट करने का धंधा करते हुए आज तक के खुफिया कैमरों में बेनकाब हुए हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के जुगाड़ मैकेनिक्स। आज तक पर आप देख रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक बैंकर। रिजर्व बैंक कहता है बैंकों में भरपूर पैसा भेजा जा रहा है। बैंक कहते हैं उनके पास डिमांड के हिसाब से पूरा पैसा नहीं आ रहा। सवाल यह है कि अगर रिजर्व बैंक सच बोल रहा है तो फिर बैंकों से पैसा जा कहां रहा है? बैंकों में नए नोटों की इसी लीकेज का पता लगाने के लिए जब आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच पड़ताल की तो एक के बाद एक ऐसे बैंकर आज तक के खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो गए जिन्होंने बैंकों में बैठकर ब्लैक मनी वालों को सेवाएं देने का धंधा चलाया हुआ है। काले धन के जुगाड़ मैकेनिकों के खिलाफ आज तक की मुहिम के पार्ट 10 में हम आपके सामने एक एक करके उन बैंकरों के चेहरे बेनकाब करेंगे जो सैलरी तो सरकार से लेते हैं लेकिन सेवा करते हैं ब्लैक मनी वालों की। जब हमारी टीम पंजाब नेशनल बैंक और HDFC बैंक के ब्लैक बैंकरों से मिली तो जो खुलासे हुए वो बहुत गुस्सा दिलाने वाले थे। पुणे की कंपनी के बैंक लॉकर से 10 करोड़ रुपए की नई करेंसी जब्त। गुवाहाटी में बिजनेसमैन के घर से 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की नई करेंसी जब्त की गई। जयपुर के कोऑपरेटिव बैंक से टैक्स इंस्पेक्टरों ने 1.56 करोड़ रुपए के नए नोट बरामद किए। ऐसी खबरें रोजाना टीवी और अखबारों की हेडलाइंस बन रही हैं जिन्हें सुनकर पढ़कर किसी भी ईमानदार इंसान का खून खौल जाए। 2000 रुपए के लिए बैंकों और एटीएम की लाइनों में लगे लोगों के साथ बैंकों के कुछ अधिकारी धोखा कर रहे हैं। आज तक पर अब आप ऐसे ही ब्लैक बैंकर्स को बेनकाब होते देखेंगे। बैंकों की ब्लैक मनी को सेट करने वाले बैंकरों के खिलाफ हमारी मुहिम की शुरुआत हुई पंजाब नेशनल बैंक से। देश के सबसे पुराने और बड़े बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक का नाम भी शामिल है।
जिसकी देश भर में करीब 6,800 ब्रांच और करीब 10,000 एटीएम है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक की सिविल लाइंस ब्रांच में पहुंची। रूबल खन्ना पीएनबी के इस ब्रांच के मैनेजर हैं। जब आज तक की अंडरकवर टीम बैंक के ब्रांच पहुंची तो बैंक मैनेजर रूबल खन्ना आहिस्ता से आए और कोने में ले गए, फिर बात शुरू हुई। लेट आ रहे हो यार। लेट नहीं हो गए? हाँ, लेट नहीं हो गए। पहले हो जाता है? हैं? नहीं, अभी वो तो अभी भी जाएगा। इस बात का विषय था ब्लैक मनी। हमारी टीम पीएनबी मैनेजर रूबल खन्ना से बिजनेसमैन बनकर मिली जो ब्लैक मनी को वाइट करने के जुगाड़ की तलाश में था। पीएनबी मैनेजर रूबल खन्ना ने हमें 50 लाख रुपए की नई करेंसी देने का वायदा किया, वो भी पुराने नोटों के बदले। आधे के आसपास हो जाएगी, 50 लाख की पुरानी करेंसी देंगे, उसके लिए बता देना आप उनको कितने 500 और 1000 के नोट में। हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, पुरानी कोई सी भी, चाहे 500 की पूरी हो चाहे 1000, वो कोई दिक्कत नहीं। 50 लाख एंड टू एंड हो जाएगा सर? हाँ, साथ दे साथ दे, एंड टू एंड हो जाएगा, मोस्टली तो एंड टू एंड हो जाएगा। जाहिर है जो पैसा आम आदमी को मिलना चाहिए उस पैसे से मैनेजर रूबल खन्ना बैंक में ब्लैक मनी को सेट कर रहा है। हमारी ब्लैक मनी को बैंक में सेट करने के लिए बैंक मैनेजर रूबल खन्ना ने कमीशन का रेट भी बताया। क्या परसेंट कमीशन तो बताइए? 20% मतलब 50 लाख का हो गया 10 लाख। हाँ, लेकिन आज के रेट में आज का माहौल ऐसा चल रहा है ना, सारा ध्यान अच्छे से रखना अपना। पीएनबी के बैंक मैनेजर रूबल खन्ना के मन में पकड़े जाने का डर था, लेकिन जब हमने पूछा कि इतनी बड़ी रकम में नए नोट वो कहां से लाएंगे, तो सुनिए उसने क्या कहा। नोट जो करेंसी है जो 2000 की भी नकली की भी मार्केट में आने चले, वो तो पता लग जाए। आप तो ये मान के चलो कि रूबल जी अपनी बैंक से ही करा रहे हैं। क्या जी, पंजाब नेशनल बैंक से ही हो रहा है आपको? ये मान के चलो क्यों सर? पीएनबी के मैनेजर रूबल खन्ना बैंक में ब्लैक मनी की सेटिंग कैसे करेंगे, ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो वो अपने बैंक में खुले अकाउंट्स में हमारा पैसा जमा करवाने पर राजी हो गए। अकाउंट में डल जाए, फिर बाद में मिल जाए, वो हिसाब हो जाएगा, करा देंगे, लेकिन वो ज्यादा नहीं हो पाएगा, बस 20 लाख। अकाउंट अपने होंगे ना सर? कोई धोखे वाली बात नहीं, धोखे वाली बात आपके ब्रांच के होंगे अकाउंट पीएनबी के? हाँ हाँ, उसकी चिंता ना करो। पंजाब नेशनल बैंक की सिविल लाइंस ब्रांच के मैनेजर रूबल खन्ना ने आज तक के खुफिया कैमरे पर जो खुलासे किए उसके मुताबिक 50 लाख रुपए तक की ब्लैक मनी के बदले नए नोटों में पेमेंट देने के लिए तैयार हुए। ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए बैंक में आने वाले नए नोटों के इस्तेमाल की बात कही, बैंक में ब्लैक मनी की सेटिंग के लिए 20% कमीशन की डिमांड की, अपने बैंक के अकाउंट्स में ब्लैक मनी जमा कराने के लिए तैयार हो गए। इस तरह आज तक के ऑपरेशन ब्लैक बैंकर के पहले सर्टिफाइड जुगाड़ मैकेनिक बने दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक की सिविल लाइंस ब्रांच के मैनेजर रूबल खन्ना। बैंकों में ब्लैक मनी की सेटिंग करने वाले ब्लैक बैंकर्स की तलाश में हमारा अगला पड़ाव बना HDFC बैंक। 4,500 से ज्यादा ब्रांच और 12,000 से ज्यादा ATM, देश का एक अग्रणी प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC। अमरपाल सिंह HDFC सेल्स में होम लोन काउंसलर है। जब हमने उनसे कहा कि हमारे पास काला धन है तो वो हमारी ब्लैक मनी को वाइट करने की काउंसलिंग करने लगे। अमरपाल हमारी पुरानी करेंसी बदलवाने के लिए तैयार बैठे थे। तो वो अमाउंट कितना होगा जो आप, आपकी कैपेसिटी है कि आप इमीडिएट पुरानी करेंसी लेके 5,000 की नई करेंसी दे दें आप हमें? हाँ, इमीडिएट ही होगा। हमारे वो नहीं कि मतलब मैंने आपको ले लिया कि 2 दिन बाद आपको, ऐसे कुछ नहीं। ये तो हैंड टू हैंड जो पुरानी करेंसी नए में एक्सचेंज होगी, इसकी मैं 10 लाख कितना? 10 लाख तक। अमरपाल ने हमें बताया कि वो हमारा पुरानी करेंसी का बैन हो चुका काला धन अपनी HDFC बैंक की शाखा में अपने कई जानकारों के खातों में जमा करवाएगा और फिर शुरू होगा पूरा तिकड़मबाजी का काला खेल। मैं या मेरे बॉस से कलीग हैं, उनके HDFC में अकाउंट हैं, या अल कलीग के अलावा और भी लोग हैं तो जिनके हमने खुलवाए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो पहले से उनके पास पैसा
आप ही की ब्रांच में छोड़ रहे हैं पीएससी वाले? जरूर नहीं, एक ही ब्रांच में कर रहा हूँ, कैश होगा मैं आपकी ब्रांच में भी हो सकता है। अमरपाल ने खुलासा किया कि इस काले धंधे में ऊपर से नीचे तक यानी प्राइवेट आदमी से लेकर बैंक के अंदर काम करने वाले लोग भी शामिल हैं और हर आदमी इस काले काम को अंजाम देने के बदले अपना कमीशन लेगा। कमीशन कितना? कुछ ना कुछ बैंक वाले को शेयर देना पड़ता है। एचडीएफसी बैंक के होम लोन काउंसलर अमरपाल सिंह के खुलासों के मुताबिक वो एक दिन में 10 लाख रुपए की ब्लैक मनी को नए नोटों में बदल देंगे। ब्लैक मनी को वाइट करने की डील हाथों हाथ होगी। ब्लैक मनी की एचडीएफसी बैंक में थर्ड पार्टी के अकाउंट्स में सेटिंग हो जाएगी। एचडीएफसी बैंक की ब्रांच से ब्लैक मनी के बदले नई करेंसी देने के लिए 30% कमीशन होगा। आज तक के खुफिया कैमरे पर ब्लैक मनी की सेटिंग करते पकड़े गए एचडीएफसी बैंक के होम काउंसलर अमरपाल सिंह भी सर्टिफाइड जुगाड़ मैकेनिक निकले। जमशेद खान और सुशांत पाठक, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। नोटबंदी की शुरुआत दरअसल जब की गई तो इस मंशा से की गई कि काले धन पर लगाम लगाया जाएगा, लेकिन एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे जुगाड़ निकाले गए जो उस ईमानदार पहल पर ही सवालिया निशान बनकर खड़े हो गए। आज तक लगातार स्टिंग ऑपरेशंस करके, आज तक लगातार उन सभी लोगों को बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है, ये पहल की है आज तक ने कि एक एक करके उन सभी जुगाड़ मैकेनिक को आपके सामने हम पेश करें। ब्रेक से पहले हमने आपको पंजाब नेशनल बैंक और एचडीएफसी बैंक के ब्लैक बैंकरों को बेनकाब किया था। अब हम आपको देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई के ब्लैक बैंकरों के खुलासे सुनवाते हैं जो उन्होंने आज तक के खुफिया कैमरे पर खुद कबूल किए। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के स्टिंग में एक के बाद एक बड़े और नामी बैंकों के अधिकारी ब्लैक मनी के जुगाड़ मैकेनिक बनकर रिकॉर्ड हो रहे थे। हमारा अगला टारगेट बना आईसीआईसीआई बैंक, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई। देश भर में 4,450 ब्रांच और 14,000 से ज्यादा एटीएम। आईसीआईसीआई बैंक की मेरठ ब्रांच में हमारी मुलाकात हुई अभिषेक रोहिला और यश त्यागी से। अभिषेक रोहिला मेरठ के आईसीआईसीआई बैंक में सेल्स ऑफिसर हैं और यश त्यागी भी इसी बैंक में बैंकर हैं। हमने उनसे ब्लैक मनी वाइट करने के लिए कहा तो उन्होंने इसके रास्ते बताने शुरू कर दिए। सेविंग अकाउंट में घर घर में किस किस के चल रहे हैं? यारों दोस्तों में, घर में, परिवार में? दो चार हैं, पांच हैं। सबकी आईडी कार्ड में फिर वही प्रॉब्लम आएगी, पैन कार्ड वाली। उसने मुझे समझाया कि तुम ये मत करना, दो तीन चल जाएंगे। तो कम से कम 8-10 अकाउंट को खुलवा लो, दो दो लाख, दो दो सवा दो दो, दो दो सवा दो दो, 10-15 लाख रुपए तो ठिकाने लगेंगे। और बाकी ये आपको कर देना चाहिए था, आप तो इतनी लेट आए हो। लोगों ने तो करवाए, हमने करवाए, हमने 8-8 अकाउंट खोले हैं। एक बंदे के इंचौली गाँव जा जाकर 10-10 अकाउंट खोले, पता नहीं कितने आदमियों के 20-20 अकाउंट खोले, सब के पैसे ठिकाने लगवा दिए। अब वही है ना, आप बिल्कुल चलो, उसका भी इंटरनेट निकल जाएगा, मंडे तक वेट करो। आईसीआईसीआई बैंक के सेल्स ऑफिसर अभिषेक रोहिला को जब हमारी टीम पर भरोसा हो गया तो वो अपने बैंक में फर्जी अकाउंट खोलकर ब्लैक मनी की सेटिंग के लिए भी तैयार हो गए। ये जो बताना है 5-7 अकाउंट 10 अकाउंट, ये डमी अकाउंट, ये खुलवा दे। हाँ, ये खुलवा दे। हमने पूछा कि कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, तो पता चला कि आईसीआईसीआई बैंक के सेल्स ऑफिसर अभिषेक रोहिला तो पुराने ब्लैक बैंकर हैं। हमने लोगों के, हमने अभी तक कम से कम ये करा दिए 4-4.5 करोड़ में, मतलब तो कुल मिला करवा दिए, कुल मिला ना कुछ नहीं, इतना अकाउंट में ट्रांजैक्शन करवा दिया। आईसीआईसीआई बैंक का सेल्स ऑफिसर अभिषेक रोहिला खुद कबूल कर रहा था कि उसने अपने बैंक में बहुत सारे करंट अकाउंट ब्लैक मनी वालों को बेचे हैं। नहीं, तुम्हारे पास पुराने किसी के करंट अकाउंट जो पड़े थे वो फेल हो गए? अच्छा, कर दिए तुमने सब ठिकाने? नहीं तो उससे रूट हो गया पैसा, उसमें कैसे? नहीं, उन लोगों की जितनी सीए बोलेंगे वो लोग उतनी ट्रांजेक्शन करते हैं। अब जिन जिनको जरूरत थी उनके हो गए कि भाई कोई, अब जैसे किसी ने बोल दिया अरे किसी को ट्रांजेक्शन करानी हो तो बता दी,
अब आप आए कि हाँ भैया ऐसे ऐसे भैया वो जरा ट्रांजेक्शन करवा दें, एक दो ट्रांजेक्शन करवा दी इस तरीके से। ICICI बैंक के सेल्स ऑफिसर अभिषेक रोहिला और यश त्यागी ने जो खुलासे किए उससे ये दोनों ही बैंकर सर्टिफाइड ब्लैक बैंकर साबित हो गए। ब्लैक बैंकरों की खोज में हमारी मुलाकात साउथ इंडियन बैंक की मेरठ ब्रांच में कार्यरत बैंकर दीपक से हुई। साउथ इंडियन बैंक में बैंकर दीपक से हमारी टीम ने पुराने नोट बदलवाने के लिए कहा तो उसने क्या कहा सुनिए। कितना यार अमाउंट तो ज़्यादा है क्योंकि एक वो है रिश्तेदार के पास पुराने नोट पड़े हैं, अगर आपको वो बदलना है तो वो बदल दें। पुराने का तो मैं करूँगा, पुराने तो मेरे पास भी होंगे, मुझे तो नहीं अच्छा 100-100 के पुराने हैं। कितने मैं तो ज़्यादा अमाउंट 1.5 करोड़ के आस पास। अरे इतना खास तो वही चला 2 करोड़ 20 लाख का अभी तो पूछा था ना। साउथ इंडियन बैंक के बैंकर दीपक ने हमें 20 लाख तक की ब्लैक मनी को बैंक में सेट करने की डील दी और इस तरह वो भी बन गए सर्टिफाइड ब्लैक बैंकर। जिन बैंकरों के कंधों पर नोटबंदी की सफलता का दारोमदार है वो खुद ब्लैक मनी के जुगाड़ मैकेनिक बने हुए हैं। अब आप सोचिए कि ऐसे ब्लैक बैंकरों के भरोसे नोटबंदी कैसे कामयाब हो सकती है। मोहम्मद हिजबुल्ला और सैयद मसरूर हसन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम आज तक। नोटबंदी के दुश्मन नंबर वन बने ब्लैक मनी वाले बैंकर आज तक के खुफिया कैमरों पर बेनकाब हो गए, जिसमें सीधे बैंकों के जरिए ब्लैक मनी की सेटिंग कमीशन बेस पर की जा रही है। हम आपको ब्लैक बैंकरों के कबूल नामों की बड़ी बातें एक बार फिर बता देते हैं। दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक की सिविल लाइंस ब्रांच के मैनेजर रूबल खन्ना ने सीधे बैंक में सेटिंग करके 50 लाख की ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए 20% कमीशन मांगा। दिल्ली में HDFC सेल्स में काम करने वाले होम लोन काउंसलर अमरपाल सिंह ने 30% कमीशन पर HDFC बैंक में थर्ड पार्टी खातों के जरिए एक दिन में 10 लाख रुपए की ब्लैक मनी को वाइट करने का ऑफर दिया। ICICI बैंक की मेरठ ब्रांच में सेल्स ऑफिसर अभिषेक रोहिल्ला ने कबूल किया कि बैंक में डमी अकाउंट खुलवाकर वो अब तक 4.5 करोड़ रुपए का काला धन सफेद कर चुका है। और साउथ इंडियन बैंक की मेरठ ब्रांच के बैंकर दीपक ने 20 लाख रुपए की ब्लैक मनी सीधे बैंक के जरिए वाइट करने का ऑफर दिया। ये आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम रिपोर्टिंग की ब्लैक मनी के जुगाड़ मैकेनिकों के खिलाफ हमारी मुहिम का पार्ट 10 था। हम आगे भी ब्लैक मनी के जुगाड़ मैकेनिकों के काले चेहरे बेनकाब करते रहेंगे। नोटबंदी के दुश्मन बन गए ब्लैक बैंकर पर हमारे इस बड़े खुलासे के बीच बड़े सवाल उस नियम पर भी उठ रहे हैं जिसमें 5,000 रुपए से ज्यादा की रकम के पुराने नोट जमा करने पर बैंक में लिखित कारण बताने होंगे और बैंक के अधिकारियों से मंजूरी लेनी होगी। बार बार बैंक जाने की जगह पुराने नोट बैंक में एक बार जमा करने का नियम अपनी जगह पर सही हो सकता है, लेकिन यह नियम तर्क से बाहर है कि बैंक में यह वजह बताई जाए कि पुराने नोट अब तक क्यों नहीं जमा किए गए थे। और उससे भी बड़ा सवाल यह कि बैंकों को इस तरह की पावर क्यों दी जाए जब बैंकिंग सिस्टम में ही जुगाड़बाजों की सेंध लगी हुई हो और बैंकिंग सिस्टम में ही ईमानदारी से काम न हो रहा हो। वित्त मंत्री ने आज फिर यह सफाई दी है कि पुराने नोट जमा करने पर कोई पूछताछ नहीं होगी, लेकिन नए नियम को लेकर बैंकों के अंदर सच्चाई क्या है यह हम आपको बताते हैं। As long as there were exemptions, there was a scope for getting old currency, so people could deposit it every day. But once the exemptions have been lifted, now if you have old currency, go and deposit in one go. So if you are going to deposit it every day, does it not raise a doubt in your mind? 5,000 रुपए से ज्यादा के 500 और 1,000 के पुराने नोट अब एक ही बार में बैंक जाकर जमा करने के नियम से परेशानी हो या ना हो, लेकिन नए नियम की इस बात से दिक्कत जरूर है कि बैंक को लिखित में वो कारण बताने पड़ रहे हैं जिनकी वजह से अब तक पुराने नोट जमा नहीं किए थे। दिल्ली के पंकज चांदनी चौक के SBI ब्रांच में 48,000 के पुराने नोट जमा करने के लिए आए थे। इन नोटों को जमा करने के लिए बैंक के अंदर नए नियमों के सिस्टम से जूझना पड़ा।
आपको एक बार में 48 जितना भी लिमिट जमा करना है आप जमा कर सकते हो यहाँ पे, बट उसके लिए आपको अथॉरिटी से मैनेजर से आपको सिग्नेचर कराना पड़ेगा। देन आप सिग्नेचर मैंने करा लिया है, ये देखिए आप देख लो सिग्नेचर मैं करा चुका हूँ, ठीक है। और वन डेज में लिखा क्या है आपने? इसमें ये लिमिट लिखा गया है कि आज आप जितना अमाउंट डिपॉजिट कराना है आपको उतना ही अमाउंट डिपॉजिट करा सकते हो। इसके बाद अगर आपको डिपॉजिट कराना है तो 5000 से ज्यादा डिपॉजिट नहीं करा सकते अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। पंकज की तरह ही धीरज शर्मा भी इसी ब्रांच में 1,14,000 रुपए के पुराने नोट जमा करवाने आए थे। बताया कि लंबी लाइनों के झंझट की वजह से अब तक बैंक नहीं आए थे, अब पुराने नोट जमा करने के लिए बीमारी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ा है। ये कितने रुपए जमा करने आए थे? जी मैं आज 1,14,000 रुपए के करीब जमा कराने आया था, क्योंकि वजह ये रही कि मैं अपने काम में काफी मसरूफ था और बैंकों की भीड़ देख के भी थोड़ा घबरा गया था ऑनेस्टली स्पीकिंग। आज आया हूँ तो मेरे ख्याल से इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सरकार ने ये कहा है कि बड़ी कड़ी पूछताछ होगी, अगर आप अंदर जा रहे हैं तो आपसे एप्लीकेशन लिखाई जाएगी, आपसे पूछेंगे दो अधिकारी कि आपके पास इतना रुपया आया कहां से, क्या क्या पूछताछ अंदर हुई, क्या कुछ हुआ वो बताइए। जी मुझसे सिर्फ ये पूछा गया कि आपने पैसे जमा कराने में इतना विलंब क्यों किया, इतना लेट क्यों किया, जिसका मैंने एक वैलिड रीजन जो था वो उन्हें दे दिया कि भाई मैं व्यक्तिगत तौर से किसी बीमारी से जूझ रहा था, उसका सर्टिफिकेट मैंने अंदर शो कर दिया और आसानी से मेरा काम हो गया। जिन्होंने अब तक पुराने नोट नहीं जमा करवाए थे उनमें अधिकतर लोग बैंकों में भीड़ खत्म होने का इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर में आराम से पुराने नोट जमा कर देंगे, लेकिन अब नए नियम से हालत ये है कि बैंकों में घर परिवार की पर्सनल बातें भी बतानी पड़ रही हैं, वो भी लिखित में। आपने आप भी 500 से ज्यादा के नोट्स 5000 करा रहे हैं? सर हमारे बीबी के पास रखा हुआ था कैश, कुछ तो हमने पूछा कुछ बचा तो नहीं, लास्ट चेट जमा कर दे सर, तो मैंने निकाला तो 20,000 रुपए के बाद निकला हुआ सर रखा हुआ, वैसे में सर जमा करने लाया हूं। पुराने नोटों के साथ बैंक में अब ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनके घरों में पत्नियों ने अपने जमा किए पुराने नोटों के बारे में अब तक उन्हें ही नहीं बताया था। कल नए नियम सुनने के बाद वो पुराने नोट भी निकल आए। बचा के रखा गया था वो बताई नहीं थी मुझे भी, और अब जब ये खबर सुनी कल टीवी पे तो फिर वो उनको भी बताना पड़ा, क्योंकि उनको ये था चलो ठीक है 31 तारीख का समय है जमा करवा लेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी, हम भी प्राइवेट जॉब वाले हैं तो हमारे पास भी समय कम था, हम भी नहीं जमा करा पा रहे थे, आज छुट्टी लेके मेरे को ये काम करवाना पड़ा। बैंकों में भी एक काम और बढ़ गया, वो हर व्यक्ति के पुराने नोट का हिसाब किताब रख रहे हैं, रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं और वो कारण लिख रहे हैं जिसकी वजह से अब तक पुराने नोट किसी व्यक्ति ने जमा नहीं किए थे। बकायदा इन्होंने एक इसके लिए रजिस्टर बही खाता बना रखा है। सर आपसे एक सवाल ये है कि जो नए नियम आ गए इसके बाद किस तरह का माहौल आप अभी अपने बैंक में देख रहे हैं? नहीं, हर इंडिविजुअल किसी अधिकारी से ही मिलके अपनी डिटेल या अपने रीज़न बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, उसे रिकॉर्ड में मेंटेन करने के लिए कहा गया है, तो एक एडिशनल काम तो बढ़ ही गया थोड़ा बहुत, लेकिन ये ऑलमोस्ट 10 डेज का है। ये तो सही है कि बात अब 10 दिन की ही है, लेकिन पुराने नोट अब तक ना जमा करने की लिखित वजह बताने और बैंक अधिकारियों की मंजूरी लेने जैसे नियम क्या जबरदस्ती का बोझ नहीं है? ये पुराने नोट्स लेकर कितने लोग कितने की रकम लेकर के आ रहे ज्यादातर? अभी तक जो लग 12,000 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक आए हैं, बस इस सीरीज में आए, कोई 90, कोई 80, कोई 85, कोई 1,12,000, कोई 1,45,000, यही रुपए लेके आए हैं बस। और आपने ये रजिस्टर बनाया है? हाँ, रजिस्टर बनाया। किस तरीके से है? रजिस्टर में मैंने सीरियल नंबर, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, रीजन फॉर डिपॉजिट एंड दो सिग्नेचर्स ये बनाया। अगर वो ऐसा कोई नहीं आया है भीड़ के चलते, लाइक मी एज बीइंग अ सीनियर सिटीजन, हम नहीं आए भीड़ को अवॉइड करके, हम अब आ रहे हैं तो होगा। आई डोंट हैव टू मच ऑफ मनी। बिल्कुल होगा जमा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको कितना पैसा जमा? 7,000 रुपये जमा होगा। 5,000 तो बिना मतलब वैलिड रीजन के भी जमा आपको केवल लिख के देना पड़ेगा कि ये हम वरिष्ठ नागरिक थे और इस कारण भीड़ के कारण मतलब हम लाइन में नहीं लग पाए, इस कारण जमा नहीं हो पाया। ठीक है, आप लिख के दीजिए, हम अलाउ करेंगे, जमा होगा। पटना में सीनियर सिटीजन सुमंत मिश्रा 7,000 रुपए के पुराने नोट लेकर बैंक आए थे, उन्होंने भी लंबी लाइन की वजह से अब तक पुराने नोट बैंक में जमा नहीं करवाए थे। भीड़ की वजह से अवॉइड कर रहे थे कि काहे के लिए जो है जान के अननेसेसरी क्राउड क्रिएट करने से क्या फायदा है। ज्यादातर लोगों की सोच यही है कि बैंकों में लाइन लंबी करने का मतलब नहीं था, इसलिए वो अब तक बैंकों में पुराने नोट जमा करवाने से बचते रहे।
सरकार भी पहले यही सुझाव दे रही थी कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी 30 दिसंबर का समय है, नए नियम से परेशानी नहीं है, लेकिन लिखित कारण देने का नियम बनाने के तर्कों में कोई दम नहीं है। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, एक तो 30 दिसंबर तक का समय है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम इस माध्यम से ये कहना चाहता है कि कोई आदमी जिसके पास पैसा पड़ा वो टुकड़ों में क्यों जमा कराना चाहता है, वो एक साथ जमा करा ले, और अगर फिर भी कोई बच गया तो 30 दिसंबर के बाद भी अपॉर्चुनिटी है एफिडेविट के साथ, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। पुराने नोट जमा कराने पर बैंक में लिखित कारण बताने और बैंक के अधिकारियों को इस तरह का अधिकार देना क्या उन हालात में सही है जब खुद बैंकिंग सिस्टम में जुगाड़ लगाने वालों ने सेंध लगा रखी है? कल वित्त मंत्री ने इस पर सफाई दी थी कि एक बार में नोट जमा करने पर कोई पूछताछ नहीं होगी, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो हमने आज आपको दिखा दिया। पटना से सुजीत कुमार झा, लखनऊ से कुमार अभिषेक, पंकज जैन और रोहित मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। इस बीच आपको बता दें कि आज तक के ऑपरेशन ब्लैक बैंकर पर वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि सरकार ऐसे बैंकरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। कुछ ऐसे बैंकों में भी असामाजिक तत्व थे जिन्होंने जहां भी उनको लगा कि यहां लूप होल्स है उसका फायदा उठा करके मोदी जी की इस मुहिम को डिस्टर्ब करने का जो प्रयास किया है, सरकार उससे चिंतित भी है, लेकिन जितने भी हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको कहा गया है कि ऐसा कोई भी आदमी नहीं बच पाए जिन्होंने मोदी जी की इस मुहिम को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया है। नोटबंदी पर सिस्टम ने पिछले 42 दिन में 2020 मैच खेला है जिसमें हर दिन कोई ना कोई नियम आउट हो जाता है और नोटबंदी की पिच पर नए नियम की बैटिंग शुरू हो जाती है। नोटबंदी का फायदा या नुकसान, इसका विश्लेषण तो 30 दिसंबर के बाद मिलने वाले कुल आंकड़ों के आधार पर ही किया जा सकता है, लेकिन इसके बीच अगले 31 दिन में आने वाले आम बजट को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं, जिनमें सबसे बड़ी चर्चा इनकम टैक्स से छूट की आय सीमा को बढ़ाने और टैक्स रेट को कम करने को लेकर चल रही है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इनकम टैक्स से छूट की आय सीमा मौजूदा 2.5 लाख रुपए सालाना से बढ़कर 4 लाख रुपए हो सकती है। 4 लाख से 10 लाख की आय पर 10% और 10 से 15 लाख की आय पर 15% टैक्स की चर्चा है। अभी 2.5 लाख से 5 लाख की आय पर 10% और 5 लाख से 10 लाख की आय पर 20% टैक्स है। इसके अलावा 15 से 20 लाख की आय पर 20% और 20 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स की चर्चा है। मौजूदा आयकर नियमों के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा की व्यक्तिगत आय पर 30% टैक्स लगता है। पहले तो सरकार ऐसी अटकलों को खारिज करती रही है, लेकिन आज जब वित्त मंत्री अरुण जेटली से इसके बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इनकम टैक्स स्लैब और रेट को लेकर संभावित बदलावों को खारिज नहीं किया। सर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हायर इनकम टैक्स लिमिट्स एंड चेंज इन स्लैब्स, सो इट विल गो अप टू से 4 लाख। वेल, जस्ट व्हेनेवर वी डिसाइड वी लेट यू नो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।